हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू जस्ट रिव्यूज ऑफ फेशियल। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम तिशा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, मैं इस चैनल पे ब्यूटी हॉल्स लाइफस्टाइल एनीथिंग एंड एवरीथिंग जो हम यूज़ एंड देखते हैं डेली लाइफ में उससे रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। सो डू मेक श्योर यू गिव मी वन चांस एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई रियली नीड मोर पीपल इन माई कम्युनिटी। बट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही स्पेशल मीशो हॉल। मीशो पे बहुत ही रैंडम सामान मिलता है, हमारे मन में डाउट रहता है कि पता नहीं सही है कि नहीं है। तो इसी डाउट को दूर करने के लिए मैंने बहुत सारे किचन के आइटम्स ऑर्डर किए थे। अभी मीशो की आई थिंक सेल भी चल रही है, तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। इन सभी प्रोडक्ट्स के रेट्स मैं यहाँ लिख दूँगी, प्लस इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गो। तो सबसे पहले एक बहुत ही वायरल प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं ना हर दूसरी रील वीडियो में इसको देखती हूँ। सिलिकॉन, यू नो, इस पे आप अपनी रोटी वगैरह बना सकते हो, इस पे आप डो बना सकते हो, आटा गूंथ सकते हो। इसमें सेंटीमीटर भी लिखे हैं, तो आई थिंक जो लोग बेकिंग करते हैं उनके लिए काफ़ी सही है। हमने एक बार इसको यूज़ किया है, तो मैं ये कहूँगी कि इसमें ना जो बहुत परथन होता है बहुत कम लगाना पड़ता है, आटा बहुत कम चिपकता है, ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई आउट कर सकते हो। नेक्स्ट अप, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट। तो कभी हम लोग किसी कैफ़े में जाते हैं, बड़ा एस्थेटिक लगता है जब ड्रिंक्स हमको ऐसे वाइन ग्लासेस में सर्व होके मिलती हैं। हम फॉर्चुनेटली ड्रिंक तो नहीं करते, बट कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी, जूस सब इसमें चीयर्स करके पीने में मज़ा बहुत आता है। और ये हमें बहुत ही अच्छी डील में मिल गया, आई थिंक ये 200 रुपये के दो हमको मिल गए। होम सेंटर वगैरह पे मैंने देखा था, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, 1000-2000 के 6 मिलते हैं। एंड लेट मी टेल यू, द क्वालिटी इज़ टॉप नॉच, आप देख सकते हो, मतलब खनक भी बहुत अच्छी है इनकी। सो आई रियली लाइक दिस ग्लासेस, इनको सब आई वर रियली क्यूट प्रोडक्ट, जो कि मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा हमारी फैमिली के लिए यूज़फुल होगा। एप्पल कटर, मतलब मुझे ना सेब काटना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने सोचा चलो इसको ट्राई आउट करें। काफ़ी ये शार्प है, बट इतना नहीं है, बच्चे भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। 80 रुपए का ये है, किचन में टांग लो, एप्पल खाना है, खच से किया एंड यू आर गुड टू गो। कोर को ये अलग कर देता है। इन सभी प्रोडक्ट्स के अगर आपको डेमो देखने हैं तो शॉर्ट्स में मिल जाएंगे, इसीलिए कह रही हूँ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और गाइस वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, तो ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। नेक्स्ट अप, मेरे को ना इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक मैं यूज़ भी कर रही हूँ। ये है ये स्क्रबर सेट, आई थिंक ये सेट ऑफ 12 है और ये कुछ 100-150 रुपए के हैं। ये ना जैसे वो माइक्रोफाइबर कपड़ा आते हैं उसके तरह के ही हैं। इससे आपके स्टील के, कांच के, सभी तरह के बर्तन धुल जाते हैं, प्लस स्क्रैचेस नहीं आते। मतलब स्टील की प्लेटों में हम देखते हैं ना, क्या वो स्क्रैचेस आ जाते हैं, इस स्क्रबर से नहीं आते दोस्तों। इट्स वेरी गुड, ये तो मतलब डेफिनेटली आपको चेकआउट करना ही चाहिए। उसके बाद मुझे नीड थी इस तरह के डस्टर एंड कपड़ों की, जिसमें हम रोटी पराठे लपेट के रख सकें। एंड ये सेट ऑफ 12 मुझे रिसीव हुआ है, ये दो ही कलर्स में आए, एक में मेरे किचन में यूज़ भी हो रहा है इसमें से एक आधा। एंड लेंथ काफ़ी डिसेंट है, इसमें रोटी वगैरह लपेट के रख दो, इस तरह से ये रिसीव हुआ है। काफ़ी अच्छा है, डस्टर की तरह, या किचन में जब आप काम कर रहे हो आपको पसीना, यू नो, पोछने के लिए भी आप इसको रख सकते हो, हाथ पोछने के लिए। 12 हैं तो रोटेशन अच्छी बनी रह सकती है। और ये बहुत ही सही, मतलब 100-150 रुपये के अंदर का सामान है। माइक्रोफाइबर क्लॉथ से काउंटर टॉप वगैरह अच्छा साफ होता है, बट इस तरह के हल्के कपड़ों से ये है ना, ऐसा है कि हर एक या दो दिन पे हमें धोने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली किचन में सैनिटी मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरह के कपड़े आप डेफिनेटली चेकआउट करो, बहुत हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट अप, आई हैव दिस जूलियन मेकर कम पीलर का सेट। जैसे आजकल बहुत फेमस है जुकीनी नूडल्स, कैरेट नूडल्स लोग ट्राई कर रहे हैं, तो मैंने ना एक बार हम किसी मेले वगैरह में गए थे वहाँ पे देखा था, ये कुछ 400-500 रुपए का मिल रहा था, बट आई सॉ दिस ऑन मीशो एंड ये मुझे मिल गया 150 रुपए का। इसमें ये जूलियन मेकर है, शॉर्ट्स पे इसका रिव्यू देख लेना, बहुत सही जूलियन निकालता है दोस्तों ये। एंड सॉरी थोड़ा शार्प, मैं थोड़ा
इससे आप कोर अलग कर सकते हैं, देन दिस इज अ पीलर, एप्पल पील करके अगर आप काटना चाहो, देन आई थिंक एक बहुत ही शार्प इस तरह का नाइफ आपको इसके साथ रिसीव हो जाता है, बहुत ही अलग तरीके का है। इससे वेजिटेबल्स में मिस्टर हस्बैंड बता रहे थे जो सैलड में डेकोरेशन होती है, जो वेजिटेबल कार्विंग होती है उसके लिए है। हैवन ट्राइड दिस नाइफ बट विल डेफिनेटली डू एंड पुट अ शॉट्स, बाकी दिस इज़ डेफिनेटली रिकमेंडेड। आई थिंक हर प्रोडक्ट जो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ वो डेफिनेटली रिकमेंडेड ही बोल रही हूँ, बिकॉज सारे ही प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे निकले। एक चीज़ और मंगवाई थी हमने, आई थिंक इलेक्ट्रिक लाइटर, वो मैंने रिप्लेस होने को दिया है क्योंकि वो चार्ज नहीं हो रहा था ठीक से, बट था वो भी बहुत सही। उसके बाद गाइस मुझे ना इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा नीड होती है, मतलब फेस्टिवल आ रहे हैं, किचन में हमारा समय बढ़ जाएगा, खाना बनाना है, मेहमान आ रहे हैं, सब हो रहा है, तो अच्छे कपड़े पहन के जब आप किचन, आप देखिए जैसे मैंने ये एम्ब्रॉयडरी कुर्ता पहना है, इसको पहन करके अगर किचन में जाओ तो कपड़े गंदे होने का कितना डर रहता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये मटेरियल, ये पॉलीथीन मटेरियल है गाइस, मतलब पॉलीथीन में नहीं, रबर टाइप का जो मटेरियल है उसका ये एप्रन है। लुक्स क्वाइट क्यूट एक्चुअली, फ्लावर्स वगैरह इसमें बने हैं, सेट ऑफ 200 रुपये का था। इसको आप ऐसे गले में डाल के देन अपनी बैग पे टाई कर सकते हो, काफ़ी कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए। प्लस इट हैज़ अ पॉकेट की फ़ोन वोन रखना है कुकिंग करते टाइम, मान लो घर वाले कॉल कर रहे हैं आपको अटेंड करना है, गेस्ट कितनी देर में आ रहे हैं, तो उसके लिए भी अच्छा है। सेकेंड डिज़ाइन इज दिस वन विच इज़ ऑल्सो प्रिटी गुड, बट नॉट द लीस्ट आई हैव इतना बड़ा सा डिब्बा। सो ये मैंने बॉक्सेस स्टोरेज, ये मेरे पास ऑलरेडी हैं भी, ये मंगवा रखे हैं। ये कुछ इस तरह के कंटेनर है जिसमें मैंने दाल रखी है, वो मैं अभी आपको दिखा दूँगी, एंड इस तरह की इनकी कैप आती है। सो गाइस इस तरह के डिब्बे हैं, ये काफ़ी सही इनकी क्वालिटी है, और मैंने दाल भी भर के आपको डेमो देने के लिए रखा है। तो ये एयरटाइट कंटेनर रहते हैं, आपको बस ऐसे ही पुल करना है एंड यहाँ से आप अपना जो भी भरो इसके अंदर, दालें, चावल, छोले, राजमा, एनीथिंग, आप आसानी से बाहर निकाल सकते हो। सो दिस इज़ माई मीशो किचन फाइंस हॉल, आई होप आपको ये अच्छी लगी हो। अगर इसी तरह के और हॉल्स आपको दिखने तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि मैं क्या, कौन से ऐप का नेक्स्ट रिव्यू करूँ। सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा, मुझे प्लीज़ सपोर्ट कर लीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किए बिना कहीं पर भी मत जाना। एंड अपकमिंग फेस्टिवल में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।